इस वीडियो में आप देख रहे हैं सड़क का एक डॉग जिसका नाम है टिंकू। ये किसी का पालतू डॉग नहीं है, ये सड़क का एक वो कम्युनिटी डॉग है जो सबकी जिम्मेदारी थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये एक प्राइवेट अस्पताल में आए हैं और इनका यहाँ पर अभी इलाज चल रहा है। तो बात हम इस वीडियो में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस डॉग का तो इलाज किसी एक इंसान ने कर दिया, लेकिन देश के जो 4 करोड़ डॉग्स हैं उनमें जिन जिन को इलाज की ज़रूरत है उन सभी को इलाज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि हर जगह पर ना तो गवर्नमेंट फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल है और ना प्राइवेट फैसिलिटी ऐसी अवेलेबल है। अच्छा, प्राइवेट फैसिलिटी यदि अवेलेबल है भी, तो ऐसे में ऐसे जानवरों का जो उपचार का बिल होता है वो अच्छा लंबा चौड़ा होता है, बिकॉज प्राइवेट डॉक्टर भी रहेंगे, उनका स्टाफ रहेगा, उनका अपना रेंट रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा, तो उनके अपने ओवरहेड्स को तो उनको फुलफिल करना ही पड़ेगा, भले ही पेट डॉग आए या स्ट्रीट डॉग आए। तो इसलिए यदि प्राइवेट नर्सिंग केयर पर हम जाते भी हैं तो उनका जो इलाज है उसका जो खर्चा है वो एक चुनौती बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम सरकार से कैसे इस विषय पर काम करवाएं ताकि हर शहर के अंदर में एनिमल हेल्पलाइन, एनिमल एम्बुलेंस और एनिमल हॉस्पिटल, जहां पर बहुत ही कम पैसे में या बोलें कि मुफ्त में एनिमल्स के लिए इलाज हो पाए, जो कि निराश्रित हैं, कम्युनिटी एनिमल्स हैं, किसी के पेट एनिमल्स नहीं हैं। बिकॉज अपने पालतू डॉग के लिए तो हर कोई अपनी जेब ढीली कर देता है, पर सड़क के डॉग के लिए जेब ढीली करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर कोई इंसान जो इस विषय पर कभी किसी एक डॉग की भी मदद करने के लिए आगे आता है और देखता है कि भाई इसके इलाज के अंदर तो मेरे इतने हज़ारों रुपए खर्च हो गए, तो दूसरी बार यदि कोई वो बीमार डॉग देखता भी है तो देखने के बाद में भी 9-2-11 हो जाता है। इसलिए नहीं कि उसकी मंशा नहीं है, इसलिए क्योंकि उसकी फाइनेंशियल हालत ही टाइट हो चुकी है। तो इसलिए यदि कोई बोलता है कि भाई ये नकली एनिमल लवर है या ये तो देख करके भी अनदेखा कर देते हैं, तो उस इंसान के ऊपर भी रहम खाइए जिसने अपने जीवन के अंदर में ऐसे 2-4 रेस्क्यू करके अपनी जेब यहाँ वहाँ इधर उधर जा जा करके ढीली करी है। हम इसीलिए बात समझाने की कोशिश करते हैं कि मामला यहाँ पर तब सुधरेगा जब हम 140 करोड़ लोगों को अवेयर कर देंगे। क्योंकि यदि आप सोचें कि चलिए 2-4 का ऐसे तैसे इधर उधर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर कुरा करके कोई दूसरे नागरिक ने इलाज करवा भी दिया, तो 2-4 का इलाज करने के बाद में भी फुल स्टॉप आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो दिमाग लगा करके काम करिए, बहुत गहन समस्या है। एंड बात यहाँ पर एक एनिमल की नहीं है कि भैया जैसे तैसे चलो हैप्पी हो जाओ, टिंकू का तो इलाज हो गया, हैप्पी हो जाओ, टिंकू को तो वैशाली दीदी के सेंटर पे जगह मिल गई, हैप्पी हो जाओ। नो, बात यहाँ पर हर एनिमल की है। हर एनिमल को हेल्पलाइन नंबर चाहिए, हर एनिमल को एनिमल एम्बुलेंस चाहिए, हर एनिमल को इलाज चाहिए। आप कैसे सोच सकते हो कि कोई जानवर या कोई भी जीव, इंसान हो या डॉग, जब उसको जीवन मिला है तो उसके साथ में बीमारियाँ भी चलती रहेंगी, और जब उसको जीवन मिला है और बीमारियां चलेगी तो उसको इलाज की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब आप ही बताइए कि जब इलाज की ज़रूरत पड़ने ही वाली है तो उस दिन का वेट क्यों करना है जब ज़रूरत पड़ेगी? आज ही आवाज़ उठाइए कि भैया हमको एनिमल के लिए अस्पताल चाहिए, एनिमल के लिए शमशान घाट चाहिए। आप बताइए, जो जानवर पैदा हुआ है वो मरेगा ना कि हवा में उड़ जाएगा? तो शमशान घाट होगा नहीं, तो आप बताइए कि उसके अंतिम समय पर उसको कहाँ पर डिस्पोज करा जाएगा? आप कभी ये सोचकर कोशिश करिए कि जब एनिमल की डेथ होती है तो वो किधर जाता है? क्योंकि हमें कई बार लोगों के फोन आते हैं कि मेरे पेट की डेथ हो गई है, अब मैं क्या करूँ? तो जिसके हाथ में जो एनिमल है जब उसकी डेथ होती है तब उसको लगता है कि ओ माय गॉड, व्हाट शुड आई डू, वेयर शुड आई क्रीमेट हिम, इसको मैं कहाँ दफना कर रहा हूँ, कहाँ जला कर रहा हूँ, इसके लिए क्या व्यवस्था है? लेकिन जैसे ही उस एनिमल का जो भी फ्यूनरल बरियल जो भी व्यवस्था जमा दी जाती है, उसके बाद में सब क्वाइट, क्योंकि जिसके हाथ में एक कुत्ता है उसके लिए आवाज़ वो अकेला उठाता है और बाकी जो सब्जेक्ट के अंदर में लोग काम कर रहे हैं वो चुपचाप बैठे रहते हैं। यदि हमने इस कैच को पकड़ लिया और हमने आगे फोर्सी करके उस विषय पर अभी आवाज़ उठाई जब हमारे हाथ में वो प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लोग कुछ रिफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेम्पर,
अब यदि मान लीजिए किसी डॉग को डिस्टेम्पर होता है और वो डॉग आइसोलेशन के लिए रिकमेंड करा जाता है, तो उसे कहाँ रखा जाएगा? तो अगेन सेम पॉइंट कि जिस डॉग को डिस्टेम्पर होता है और जो इंसान उस डॉग के साथ में कैरी यू नो अटैच हैं, जिसने उस केस को उठाया, उसको मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, वो तो चिंता करता है कि अब मैं आइसोलेशन में कहाँ रखूँ, आइसोलेशन में कहाँ रखूँ, आइसोलेशन में कहाँ रखूँ, शमशान में कहाँ दफनाऊँ, शमशान में कहाँ जलाऊँ, अस्पताल में कहाँ रखूँ। लेकिन बाकी लोग सिर्फ चुपचाप बैठे हैं। तो आगे का सोचिए, जो नई अभी हाथ में प्रॉब्लम है उसको सोच करके, उसको दिमाग में रख करके, जहन में रख करके उस पर काम करिए। अभी आप बताइए कि कल वापस से कोई एक डॉग बीमार होता है तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि फिर से हम इधर आएंगे? हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि हम हर एक डॉग को ऐसे प्राइवेट डॉक्टर के पास ला करके उसका इलाज करा सकें। और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है, आप भी नहीं चाहते हैं कि आप अकेले इस समस्या से जूझें। तो जब हम सब एक ही जैसी समस्या से जूझ रहे हैं लेकिन हम लोगों की टाइमिंग अलग अलग है, उस टाइमिंग को हम दिमाग में रखते हुए और उस प्रॉब्लम को समझते हुए यदि एक साथ एकजुट होकर के हम, फिर वही बात आप बोलेंगे ये फिर ट्विटर का रोना रो रहे हैं, लेकिन यदि हम ट्विटर पर एक साथ एकजुट होकर के आते हैं तब जा कर के हम अपनी सारी डिमांड एक साथ पूरी करवा पाते हैं। और अन्यथा जो इंसान जिस डॉग के साथ में आ गया, देख लिया और आगे बढ़ गया मदद करने के लिए, आप समझिए कि उस अकेले इंसान को ही उस विषय पर जूझना पड़ेगा और बाकी लोग बस पूछेंगे भाई वो रामप्यारी कैसी है, भैया स्वीटी का अपडेट दे दो, थोड़ा टिंकू कैसा है बता दो, दीदी ढोलक कैसी है, अच्छा बिस्किट कैसा है, बिस्किट को स्प्रे लग गया क्या, देखिए इनकी भैया इसकी नोज पर एक टिक चल रहा है, जरा प्लीज निकाल दीजिए भैया, एक मिनट आइएगा जल्दी से, इनकी ये नोज पर चल रहा है टिक, इसको उठा दीजिए, और एक मुझे यहाँ भी लग रहा है, ठीक है क्या टिंकू? नो तो कुछ तुमने मैला कर दिया है। या आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन एज मच एज आई कैन, ओके यू गेट वेल सो। एक बार चेक करिए ना इसको पूरा, टिक्स है क्या कहीं? एक बार इसको प्लीज चेक कर लीजिए ना, इसको टिक्स है क्या ये फीट वगैरह में भी? Thank you so much.